हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्रॉस मैच क्या होता है। आखिर ब्लड क्रॉस मैच किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले क्यों कराया जाता है, ब्लड क्रॉस मैच कितने मेथड से होता है, ब्लड क्रॉस मैच करने का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट बहुत डाउट है, इसको क्लियर करिए। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले डोनर और रेसिपिएंट का जो होता है सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो उसके बाद क्या होता है, उसके दोनों का क्रॉस मैच कराया जाता है। अब ऐसा नहीं कि ब्लड ग्रुप सेम है और आपने पेशेंट को ब्लड चढ़ा दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी ब्लड ग्रुप सेम होना ज़रूरी नहीं होता है। उसके भी उसमें जो ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं उनको देखना होता है कि आपस में कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन तो क्रिएट नहीं कर दे रही हैं कि ब्लड चढ़ाते समय पेशेंट को रिएक्शन करे और पेशेंट ऑन स्पॉट एक्सपायर हो जाए। तो ब्लड ग्रुप सेम होना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि क्रॉस मैच जो है वो सही है या नहीं है। तो इसमें आप डिस्कस करेंगे कि क्रॉस मैच कितने मिनट से होता है। तो क्रॉस मैच बता दें, मोस्टली जो होता है दो मिनट से होता है, एक माइनर क्रॉस मैच होता है और एक मेजर क्रॉस मैच होता है। तो मेजर और माइनर क्रॉस मैच कैसे किए जाते हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं और पेशेंट का ब्लड का सैंपल डीओ और प्लेन लेते हैं, और जो डोनर जो दे रहा है उसका भी सैंपल जो होता है डीओ और प्लेन लेते हैं। तो दो प्लेन टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, जो पहला प्रोसीजर इसमें है मेजर का हम बता रहे हैं। तो मेजर के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा, उसमें क्या करना है, डोनर यानी जो दे रहा है उसका 5% RBC का सेल सस्पेंशन आपको 1 ड्रॉप लेना है। अब 5% कैसे बनता है, अगर आप क्या करते हैं 5 माइक्रोलीटर ब्लड ले रहे हैं तो उसमें 95 ml आपको NS क्या होगा ऐड करेंगे, तब आपका 5% RBC सोल्यूशन क्या होगा वो बन जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5% सोल्यूशन लेंगे जो RBC का है, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे रिसिपिएंट यानी कि जो ब्लड ले रहा है जिसको चढ़ रहा है उसका 2 बूंद क्या करेंगे हम उसमें सीरम ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, मेजर क्रॉस मैच का प्रोसीजर हो गया। अब देखते हैं माइनर में क्या करते हैं, माइनर में जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। माइनर में क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, वहाँ पर रेसिपिएंट यानी कि जो क्या कर रहा है, जो ले रहा है जिसको चढ़ना है उसका 5% सेल सस्पेंशन की 1 ड्रॉप लेते हैं, और देने वाले डोनर का 2 ड्रॉप क्या करते हैं उसमें सीरम ऐड करते हैं। दोनों को मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1500 RPM। RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट, ये सेंट्रीफ्यूज की स्पीड होती है। इसको 5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें एग्लूटिनेशन देखते हैं। अगर एग्लूटिनेशन इसमें आ जाता है तो वहीं से क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर हमको करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। हम ब्लड ग्रुप बेशक सेम है मगर हम पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उसको रिएक्शन कर जाएगा। अगर उसमें एग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा है तो कन्फर्म करने के लिए हम सेकंड स्टेप में जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपके पास 2 वायल तो ऑलरेडी कंप्लीट है, एक मेजर का है एक माइनर का है। इसमें क्या करते हैं हम 3-3 ml क्या करते हैं दोनों में NS लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 मिनट। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पीपेट की हेल्प से जो NS होता है उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर कर देते हैं, जो RBC का सेल सस्पेंशन नीचे होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस हम 2-3 बार करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फिर उसमें हम दो जो होता है, एक हमारे पास सोल्यूशन बोलिए या केमिकल बोलिए, हमारे पास होता है जिस केमिकल का नाम होता है बोबिन एल्बुमिन का केमिकल होता है, उसको 1-1 या 2-2 ड्रॉप क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं जो RBC बची हुई है। उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं उसमें एग्लूटिनेशन, अगर एग्लूटिनेशन आ जा रहा है तो वहीं से क्या होता है हम क्लियर कर लेते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है, हम पेशेंट को ब्लड नहीं दे सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते उसको। अगर नेगेटिव आ रहा है, एग्लूटेशन नहीं दिख रहा है, तो फिर लास्ट में एक और प्रोसेस होता है जो पूरी तरीके से क्या करता है, कंफर्म करता है कि ये ब्लड हम दें या ना दें। तो इसके बाद क्या होता है, जो आपकी 2 वायल हैं माइजर और मेजर की, उसमें क्या करते हैं हम
O11 ड्रॉप क्या होते हैं, AHG हमारे पास एक केमिकल होता है, रिजेंट बोलिए, केमिकल बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो होता है, उसको O11 ड्रॉप क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 मिनट तक। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उसको 37 डिग्री टेम्परेचर पर 5 मिनट रख देते हैं। उसके बाद उसमें ऑब्जर्व करते हैं एग्लूटिनेशन। अगर एग्लूटिनेशन आ जा रहा है तो क्या होता है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि आप डोनर का सैंपल रेसिपिएंट को नहीं दे सकते हैं। अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है, कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिख रहा है, तो आप बेशक उसको बेधड़क पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड चढ़ाने से पहले पेशेंट का ब्लड ग्रुप सेम होना मायने नहीं रखता है। मायने यहाँ रखता है कि उसका जो क्रॉस मैचिंग की जा रही है वो प्रॉपर वे पर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर क्रॉस कर रहा है तब आप चढ़ाइए, अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, अगर उस कंडीशन पर चढ़ा देंगे तो पेशेंट को तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, पेशेंट ऑन स्पॉट एक्सपायर कर सकता है या थोड़ी देर के बाद एक्सपायर कर सकता है, या उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो जाएगी और वो कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद या एक दो चार घंटे बाद क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। क्यों एक्सपायर हो जाता है गलत ब्लड चढ़ाने से? क्योंकि उसमें होता क्या है, हमारी ब्लड में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं, और जो जिसको चढ़ाया जा रहा है उसके ब्लड में भी होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी है। तो जब दोनों एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाएंगे तो ये आपस में ही क्या होंगे, टकरा जाएंगे। जब आपस में टकरा जाएंगे तो जाहिर सी बात उसका परिणाम हमारी बॉडी भोगेगी, तो इसलिए पेशेंट क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।